अच्छा जनाब, तो ये जो आपका टॉपिक है ये दिया गया है टेस्ट क्रॉस में से। टेस्ट क्रॉस आपकी बुक का टॉपिक है, उसमें से वाला सवाल बना है। और टेस्ट क्रॉस में बेसिकली क्या होता है कि एक होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर रखने वाला एक पेरेंट होता है, दूसरा पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो हेटरोजाइगस होता है। तो उसमें इन दोनों का जो क्रॉस आता है वो 50-50 के रेशो में आता है, मतलब इनकी नेक्स्ट जनरेशन 50-50 के रेशो में आएगी। टेस्ट क्रॉस में अगर ये वाली कंडीशन हो तो 50-50 के रेशो में वो आती है। और टेस्ट क्रॉस यूज़ इसलिए किया जाता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर रखने वाला जो भी कहने की स्पीशी है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, उसको ये चेक करने के लिए कि आया कि उसका जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है कि डोमिनेंट नहीं है, होमोजाइगस है डोमिनेंट है या हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, इस चीज़ को चेक किया जाता है टेस्ट क्रॉस के जरिए से। तो अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो उसके जितने भी यहाँ से ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो सब की सब डोमिनेंट कैरेक्टर रखेंगी। अब यहाँ पर जो है वो अगर हेटरोजाइगस वाली कंडीशन आ जाती है तो नीचे जो रिजल्ट आएगा वो 50-50 के रेशो में आएगा। 50% जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर रखेंगे, 50% जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर रखेंगे, और डोमिनेंट कैरेक्टर रखेंगे वो भी होमोजाइगस नहीं होगा, हेटरोजाइगस कैरेक्टर होगा। तो उसे फिफ्टी सी बात समझाने के लिए कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस है, एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया और उसके साथ इतना बड़ा चार्ट दे दिया। तो सिर्फ ये चार्ट एक्सप्लेन ये करता है कि ये हेटरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है और रिसेसिव है। इसको हमने किस तरह समझा, इनके पेरेंट्स से समझ लिया। बुक में जो पैराग्राफ दिया उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, टेस्टर वाला कैरेक्टर डोमिनेंट और नॉन टेस्टर वाला रिसेसिव। तो जब इन्होंने इनका क्रॉस बना तो इनका क्रॉस का रेशो क्या है, 50-50 रेशो। तो यहाँ पे जो रेशो आया है इसका पाशा जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये पाशा है, ये ऑब्वियसली हमें यहाँ से देख के अंदाजा लगाता है कि ये हेटरोजाइगस है। हेटरोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से होगा तो 50-50 कंडीशन आएगी। अगला वाला है द फर्स्ट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इज डैश। नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। जी अमोनिफिकेशन की बात है, नाइट्रिफिकेशन नहीं है, ठीक है अमोनिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो लास्ट स्टेप होता है, बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्रोजन डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को या अमोनिया को जो है वो इवॉल्व करके नाइट्रोजन बना देते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन इसका लास्ट स्टेप होगा, नाइट्रिफिकेशन इसका फर्स्ट स्टेप होगा। और अगर साइकिल की फॉर्म में देखें, अच्छा नाइट्रोजन साइकिल दो तरह की होती है, यानी एक ही साइकिल के अंदर आपको दो साइकिल्स देखने को मिलेंगी। एक साइकिल वो होगी जिसमें इन्वायरमेंट वाली नाइट्रोजन कहीं ना कहीं आ रही होगी, ठीक है, इन्वायरमेंट वाली नाइट्रोजन से डायरेक्टली जो है वो अमोनिया बन रहा होगा और नाइट्रेट्स वगैरह उसके बन रहे होंगे, ठीक है। और एक नाइट्रोजन साइकिल यानी एक साइकिल के अंदर दूसरा है वो ये होगा कि मैन्योर से दोबारा से नाइट्रेट्स बनेंगे। तो मैन्योर से नाइट्रेट्स बनना या डेड ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रेट्स बनना और इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनना, ये दोनों नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टेप्स Which of the following correctly describes the thermoregulation in hot temperature? Hey, ligase होता है। Which of the following? बेटा क्या कर रहे हो? Sir, ligase. जिसको ligase होता है। Which of the following correctly describes the thermoregulation in hot temperature? Hot temperature में thermoregulation किस तरह से होती है? Sweat production dilate हो जाती है। Vasodilation होती है और sweat production increase हो जाती है। D A.
Which rock correctly shows the areas of gas exchange system that contain cartilage, ciliated epithelium and goblet cells? अच्छा जी, किसके अंदर कार्टिलेज होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है और गॉबलेट सेल्स होते हैं। अच्छा, कार्टिलेज ब्रोंकाई ट्रैकिया, सीलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंकाई में और ट्रैकिया में होते हैं। गॉबलेट सेल्स जो ब्रोंकस में होते हैं, ट्रैकिया में होते हैं, एल्वेलाई में होते हैं। ब्रोंकस और ट्रैकिया में कार्टिलेज, ब्रोंकस ट्रैकिया एल्वेलाई, देखो सी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी को यहाँ से क्रॉस कर दो। क्या चल रहा है? ऑप्शन सी इसमें काट दो। सीलिएटेड एपिथेलियम नेजल कैविटी में होते हैं, नेजल कैविटी में सीलिएटेड एपिथेलियम जी बिल्कुल होते हैं। एपिथेलियम, एपिथेलियम तो होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम का मुझे अंदाजा नहीं है। डस्ट पार्टिकल तो उसमें होते हैं, ट्रैकिया में होते हैं, नेजल कैविटी में ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम ट्रैकिया में भी होते हैं, नेजल कैविटी में भी होते हैं। तो ये तो बन जाता है इसका डी ऑप्शन बन जाता है इसमें। ब्रोंकियोल्स में सीलिएटेड एपिथेलियम कोई काम नहीं है, ठीक है, नहीं काम है ना, ब्रोंकस में काम है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी है जी। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल्स को कहते हैं गॉबलेट सेल्स। मैच द प्रोसेसेस लिस्टेड अंडर कॉलम वन। यार डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करो, बार बार कहना पड़ता है। मैच द प्रोसेसेस लिस्टेड अंडर कॉलम वन विद द हार्मोन गिवन अंडर कॉलम टू। चूज द आंसर विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स ऑफ कॉलम। चूज द कॉलम है शायद। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन, थिकनिंग ऑफ, थोड़ी सी रुचा ही तो खत्म होने वाला है, ठीक है, पाँच मिनट रुचा। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन, इसके हिसाब से इसको कर लो। रिलीज ऑफ मिल्क, रिलीज ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन, प्रोडक्शन ऑफ, अभी तो बताया है इसको जाने दो सर, पाँच मिनट करेंगे, अगर बैठ जाए तो बताए, तो वरना जाने दो। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू, किसका ये चल रहा है? चल रहा है जी, चल रहे हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कितना